रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। RVNL को शुक्रवार को 1088 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। जी हाँ, इस प्रोजेक्ट का काम 1460 दिनों यानी 4 साल में पूरा करना है। जाहिर सी बात है, इसका असर RVNL के शेयर पर देखने को मिलेगा। किससे मिला ही ऑर्डर और शेयरों पर क्या होगा असर, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। RVNL को 1088 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। कंपनी को हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से ये लेटर ऑफ ऑर्डर मिला है। इस प्रोजेक्ट का काम 1460 दिनों यानी 4 साल में पूरा करना है। बीते शुक्रवार की बात करें तो RVNL स्टॉक में 3.81% की गिरावट देखी गई और ये 121.20 रुपए के भाव पर बंद हुआ है। इससे पहले एक और खबर आई थी कि सरकार RVNL में अपनी हिस्सेदारी कम करने जा रही है। रेल विकास निगम लिमिटेड 119 रुपए प्रति शेयर के रेट पर ऑफर फॉर सेल लेकर आई है। इस OFS में रेल विकास निगम लिमिटेड ने 3.40% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया था। इसके बाद निवेशकों के भारी रिस्पांस को देखते हुए अलग से 4 करोड़ से ज़्यादा की इक्विटी शेयर्स ग्रीन शू ऑप्शन के तौर पर लाने का फैसला किया। ये शेयर्स 1.96% हिस्सेदारी के बराबर हैं, यानी अब रेल विकास निगम कुल 11 करोड़ शेयर बेचेगी। शुक्रवार को रिटेल निवेशक के लिए बोली लगाने का भी मौका था। सरकार ने ओवर सब्सक्रिप्शन विकल्प का इस्तेमाल करते हुए बिक्री के लिए चल रहे ऑफर यानी OFS में और ज़्यादा शेयर बेचने का फैसला किया है। 2 दिवसीय OFS को मजबूत रिस्पांस मिला। पहले दिन नॉन रिटेल निवेशकों की कैटेगरी को 2.73 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। RVNL की बात करें तो RVNL का गठन जनवरी 2030 में रेल मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व वाली यूनिट के रूप में किया गया था। इसके जरिए रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वयन और उसके लिए फंड जुटाने का लक्ष्य रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।